हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक हो। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि कैसे जो है मैं अपनी कैलोरीज काउंट करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या आप कैलोरीज काउंट करते हैं जब आप अपनी मील्स को लेते हैं, तो उस पर आज मैं ये वीडियो बनाऊँगा। तो जब मैंने प्रॉपर एक बॉडी बिल्डिंग के बारे में जब मैंने स्टडी की, पढ़ना शुरू किया और देखा कि जो प्रोटीन है वो कितने ग्राम्स की, एक प्रोटीन कितनी कैलोरीज होती हैं और एक कार्ब्स में कितनी कैलोरीज होती हैं, फैट्स में, जब ये ऐसी नॉलेज ली तो उसके बाद फिर मैंने कैलोरीज काउंट करनी शुरू की। मैंने फूड स्केल था मेरे पास, अब भी है फूड स्केल, उस पर मेयर कर करके मैं खाता था अपनी डाइट। जैसे 8-9 मील्स खाता था तब मैं, तो 8-9 मील्स जब खाता था तो हर मील को मैंने कैलकुलेट करना कैलकुलेटर पे। तो शुरू में बहुत मज़ा आया मुझे कि कैलकुलेट करके खा रहा हूँ अपनी मील्स, देख के खा रहा हूँ कि प्रॉपर सारा कुछ जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जो भी। बट जैसे जैसे टाइम होता गया, महीने, दो महीने, तीसरे महीने तक आते थे मेरी बस हो गई, मैं बोर हो गया ये चीज़ से। मुझे टायरसम लगने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये जो चीज़ है वो मेरी जो लाइफ है उसके ऊपर हावी हो रही है मुझे। क्योंकि ध्यान बस 24 घंटे जब उठता था मैं, तो ध्यान मेरा तब सिर्फ खाने पे ही रहता था। 3 घंटे के बाद बस 3 घंटे होते नहीं थे और खाने की तरफ ध्यान, कैलकुलेट कर करके खाना, कोई फैमिली की तरफ ध्यान नहीं, कोई यार दोस्त की तरफ ध्यान नहीं, अपने काम में ध्यान नहीं, बस ध्यान यही रहना कि कैलोरीज कैसे काउंट करके अपनी जो डाइट प्रॉपर लूँ। तो तीसरे महीने तक आते आते मुझे वो बड़ा टायरसम लगने लगा। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 8-9 साल पहले की। तो मैंने फिर और पढ़ा कि कैसे हम और मैनिपुलेट कर सकते हैं डाइट को, कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं डाइट को। तो फिर मैंने तब फास्टिंग के बारे में पढ़ा। फिर शुरू में जब फास्टिंग करना लगा तो काफ़ी डर लगा कि यार मेरा तो मसल लॉस हो जाएगा इतनी देर तक कुछ खाना नहीं। तो हिम्मत करके मैंने वो शुरू किया और प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करता रहा। शीशा जो मिरर है वो ही आपको जो है सारा आपका बॉडी का वो बता देता है आपको। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप पे, अपनी बॉडी को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, बॉडी को जज करना पड़ता है। तो अब अगर बात करो पिछले 3-4 साल की, तो पिछले 3-4 साल में मैं मुझे आई जज हो गया कि मुझे हाँ इतने चावल डालने हैं, इतना चिकन डालना है, जो भी चीज़ है, मतलब आई जजिंग करने लगा हूँ मैं। और पहले मैं मिरर देखता था, मिरर तो चलो अभी देखता हूँ, तो जजिंग करने लग पड़ा, आई जजिंग कि बस हाँ इतने चावल ठीक हैं आज इतने। और कैलरीज की बात करें तो कैलरीज अब बिल्कुल काउंट नहीं करता। पिछले 8 सालों से मैं कैलरीज नहीं काउंट करता, मैं सिर्फ अपने सुबह वेट चेक करता हूँ, उसके हिसाब से फिर उस हिसाब से फिर मैं उस दिन की अपनी डाइट बनाता हूँ। और शीशा देखता हूँ फिर मैं, जब जैसे आज का दिन जो मैंने खाया, फिर अगले दिन मैं उठूँगा, फिर मैं शीशा देखूँगा, फिर मैं चेक करूँगा कि आज क्या वाटर टेंशन हुई है, क्या आज मैं ज़्यादा लीन लग रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं अपनी डाइट ऊपर नीचे करता हूँ, उस हिसाब से मैं अपने कार्ब्स ऊपर नीचे करता हूँ, उस हिसाब से मैं चिकन और एग्स ऊपर नीचे करता हूँ, वे प्रोटीन उस हिसाब से बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ। और बस अब कैलरीज नहीं काउंट करता हूँ। तो टायरसम नहीं लगता मुझे, अब मुझे बोझ नहीं लगता डाइटिंग करना। अब जब भूख लगती है तब खाता हूँ, 20-22 घंटे भी फास्टिंग कर लेता हूँ कभी कभार, एक बार ही खा लेता हूँ कभी कभार। तो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं कैलोरीज काउंट करता हूँ, तो जब शुरू में शुरू किया था मैंने बॉडी बिल्डिंग, सभी काउंट करते हैं, सब जब नए नए इस फील्ड में जाते हैं तो उनको वो होता है ना कि परफेक्ट दिखना, वो परफेक्ट दिखने की चाहत में इंसान सब कुछ करता था। पर टाइम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे, वो हमको सिखाता है टाइम। तो अब मैं नहीं कैलोरीज काउंट करता, सिर्फ शीशा देखता हूँ, मिरर ही जो है आपका बेस्ट फ्रेंड है। और वेट देखता हूँ सुबह उठ के ज़रूर, पहले मैं अपना सबसे पहले यही काम करता हूँ मैं। तो
भाई ये आपने पूछा था मुझसे कि कैलरीज के बारे में, तो अब मैं कैलरीज नहीं काउंट करता, अब इतनी मुझे समझ हो चुकी है अपनी बॉडी पे कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे कैलरीज काउंट करने की। मुझे प्रॉपर अब जजमेंट नहीं होती कि कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट, मुझे जजिंग नहीं है। सिर्फ शीशा जो है वो शीशा देखकर मैं अपनी कैलरीज ऊपर नीचे, मतलब कैलरीज नहीं, अपना जो फूड है वो ऊपर नीचे करता हूँ। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता हूँ मुझसे तो ज़रूर मुझे वो मैसेज कर सकता है। बड़े ही रीजनेबल रेट पर मैंने कोचिंग रखी हुई है ऑनलाइन। तो बस इसी के साथ आऊँगा नई वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें आप, और कोई सुझाव देना चाहते हो कोई नेक्स्ट वीडियो तो ज़रूर मुझे आप मैसेज करें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।